दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टर कीश्वर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी इंग्लिश है जो, उसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं ताकि हम बहुत हाई स्कोर ले पाएँ, लाइक 90% ऑफ द स्कोर हम ले पाएँ, चाहे प्री हो, मेंस हो या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, जैसे एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, बिकॉज इनका जो लेवल है वो सीजीएल के अराउंड ही रहता है। तो मैं सीजीएल का डिस्कस करने वाला हूँ, बट आपकी सबको कवरेज मिल जाएगी कि इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी कैसे। तो बिफोर हम स्टार्ट करें, मैं कहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज जो आधी नॉलेज है वो डेंजरस है, ठीक है। तो या तो आप पूरा देखें या ना देखें, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो यार अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप क्या करो, आप एसएससी की तैयारी इंग्लिश की करना चाहते हो, आप ना एक प्री इंग्लिश एसएससी का या फिर आप एक मेंस एसएससी सीजीएल का लगा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि नेचुरली आपका इंग्लिश का क्या लेवल है। तो बेसिकली क्या होता है, जिसका इंग्लिश का बैकग्राउंड है पहले से, तो उन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी एसएससी की इंग्लिश में, क्योंकि ये थोड़ी ईजी ही होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। और अगर आपका देखा जाए कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट में आ सकती है, बट घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ इस चीज़ में। मैंने खुद एसएससी में इंग्लिश में 2018 में 184 मार्क्स स्कोर किए हैं 200 में से, पिछले साल मीन्स में मैंने 193 200 में से स्कोर किए हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प माय बेस्ट, ठीक है। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं यार। तो एसएससी को अगर मैं कैटेगराइज करूं कि इस एसएससी की इंग्लिश किस तीन सेक्शन में बांटी जा सकती है, तो इजीएस्ट से हार्ड चलते हैं। सबसे जो इजी सेक्शन मैं मानता हूं वो है रीडिंग बेस्ड। रीडिंग बेस्ड में आपके तीन चार तरह के टॉपिक्स मिलेंगे आपको, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सेकेंड मिलेगा, आपका क्लोज टेस्ट जिसमें आपको पैरा पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप को भरना है, और आपका तीसरा मिलेगा पैरा जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग बेस्ड होते हैं, रीडिंग स्किल की आपकी मैप्ड है, ठीक है, कि आप कैसे समझते हैं, कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आंसर देते हैं। सेकंड जो आपका सेक्शन है वो पड़ता है ग्रामर, जो कि सेकंड इजिएस्ट है। एक बार आपने रूल्स पढ़ लिए तो भाई थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस आती हैं, आप मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स को कर पाओगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बार पढ़ लिया, थोड़ा रिवाइज करते रहो, आराम से ग्रामर सेक्शन आपका मस्त निकलेगा। काफ़ी वेटेज रहती है सेक्शन की। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन कह देते हैं जिस चीज़ को, और आपको मिलेगा जैसे एरर्स हैं और फिलर्स हैं सेंटेंसेस में, वो सब इस वाले सेक्शन में पड़ता है। तीसरा आपका सेक्शन पड़ेगा दोस्तों वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी यार एक ऐसी चीज़ है जो मैं हार्डेस्ट सेक्शन इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि पहली बात तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एंटोनिम, साइनोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कैसा भी वर्ड आ सकता है। दूसरा, क्योंकि लिमिट नहीं है तो कवरेज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है रीडिंग और ग्रामर की बजाय, तो इसलिए ये सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी मैं मानता हूँ है, और ये काफ़ी मेहनत मांगता है। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको तीनों सेक्शन में मेहनत तो एक बेसिक मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो बात यह है कि अब इन तीन सेक्शंस का तो सर हमें पता लग गया, अब आगे क्या करें, इनको प्रिपेयर कैसे करें। तो यार बुक्स पे जाने से पहले लाइक बहुत सारी तरह की बुक्स हैं जो एसएससी एस्पिरेंट्स पे काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है एसपी बख्शी की, आपकी नीतू सिंह की है वॉल्यूम 1 और 2 फॉर इंग्लिश, वो काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा आपके एमबी पब्लिकेशंस की हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी कैटेगराइज चीज़ें उधर दी हुई हैं। आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, उसके बाद आपका वर्ड पावर मेड इजी है, तो ये सारी काफ़ी तरह के बुक्स हैं। बट मैं आपको बताने वाला हूँ यार मैंने क्या फॉलो किया है, ठीक है। तो यार सीन ऐसा है कि देखो मैंने फॉलो की है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, जो कि सिमिलर अबाउट स्प्रिंट टू पैरामाउंट बुक के। तो इन बुक्स में क्या है, नीतू सिंह बाई वॉल्यूम 1 में आप ग्रामर को बेसिक से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार आपने ग्रामर बेसिक से सारी पढ़ ली, सारे चैप्टर्स खत्म पढ़ लिए और वोकैबुलरी इससे पढ़ ली, तो आपका एक बेस बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, आप इसको नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 को पढ़ो, ग्रामर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, वोकैबुलरी का बेसिक बैठ जाएगा। एक बार आपने ये कर लिया तो आप प्रीवियस ईयर एमबी पब्लिकेशन टाइप बुक उठा सकते हो, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को और अच्छा कर पाओ और तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स हो गए, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, ये सब आप एमबी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर से देख सकते हो। उसके बाद जो मैंने किया वो ये था कि मैंने उसके बाद टेस्ट सीरीज पकड़ी,
जैसे कि मैंने पकड़ी एक टेक्स्ट बुक जो थोड़ी ईजी रहती है, उसमें भी मैं प्रीवियस ईयर SSC एग्जाम पहले देता था, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक के खुद के बनाए हुए मॉक्स देता था, मैं सेक्शनल टेस्ट भी देता था ताकि मुझे पता लगे कि सेक्शन में मेरे कौन से में गड़बड़ है, कौन से में अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मैं ना वोकैबुलरी में थोड़ा लैक कर रहा था, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन idiom, तो फिर मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ अदर सेक्शंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि एक हार्ड टेस्ट सीरीज पकड़ लो, जैसे कि ऑलिव बोर्ड या SSC ट्यूब, वहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऊपर है, तो आप हर तरह के पेपर के लिए प्रिपेयर रहोगे। अगर टफ पेपर भी आ जाए SSC का, इंग्लिश का प्री में या मेंस में, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। तो यार उसके बाद जब आप मेन चीज़ है मॉक को देना, बट उसको एनालाइज करना और भी इंपॉर्टेंट है। आप मॉक्स को दो, 5-10 मॉक्स दो, उसके बाद उसका आप एनालिटिक्स खोल के बैठो, देखो कि कौन से चैप्टर में मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत है, कौन से में ज़्यादा सही है, क्या मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मेरा कोई क्वेश्चन छूट रहा है, जहाँ पे भी मेरी गड़बड़ है उस टॉपिक पे जाओ, उसको दोबारा रिवाइज करो और उसका स्कोप बढ़ाओ। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, कोई भी टीचर यार जो तुम्हें अच्छा लगता हो उसको पकड़ो और उसकी वीडियोस देखो और अपना टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करो, और फिर ट्रैक करो कि मेरी प्रोग्रेस सही जा रही है कि नहीं जा रही। मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, आपके आराम से 180 प्लस आप मेंस में और एटलीस्ट 40-45 प्लस आप इंग्लिश के प्री में ले सकते हो 50 में से। और इंग्लिश यार बहुत ज़्यादा मेन सेक्शन है, 250 नंबर का है, काफ़ी इजी है, तो आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है यार, इसमें जितने मार्क्स हो सकते हैं निकाल लो, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको लर्निंग्स मिले आपकी मॉक सीरीज से या जहाँ भी, तो उसको आप एक नोटबुक बना लो, उसमें आप अपनी लर्निंग्स लिख लो, चाहे नए वर्ड्स मिले हो एंटोनिम साइनोनिम के, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नए idioms मिले हो, नए एरर या ग्रामेटिकल रूल्स मिले, उनको लिख लो ताकि आप रिवाइज करने जब जाओ तो आप उसको देखो और तब एग्जाम में जाओ, उसको रिवाइज भी करते रहना बीच बीच में, ठीक है। मैंने भी एक अपनी ऐसी ही नोटबुक अलग से लगा रखी है, तो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर इंग्लिश इन SSC। तो यार आई थिंक यही स्ट्रैटेजी, अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे लाइक कमेंट में डाल सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और आप मैं इस जो भी बुक्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालने वाला हूँ, आप कहाँ से बाय कर सकते हैं इन सभी बुक्स का जो मैंने नाम लिया है। और उसके अलावा अगर आपको यार यही मेरा स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश की, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और सजेशंस और ऐसी ही वीडियोज़ यूज़फुल आती रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग मी गाइज, थैंक यू।